नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं पूनम यादव। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर ने बृहस्पतिवार को संसद में BSP संस्थापक दिवंगत काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाई। बता दें कि पिछले दिनों भी अरुण सागर ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व CM मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शुक्रवार को एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी BJP के एक दलित सांसद की तरफ से BSP के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर काशीराम को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग करने की बजाय केंद्र की सत्ता में अपनी सरकार से इसे तुरंत दिलवाएं, जिसका BSP भी दिल से स्वागत करेगी, वरना इसकी आड़ में दलितों को गुमराह करना बंद करें। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी अरुण सागर ने संसद में काशीराम को भारत रत्न दे जाने की मांग की थी। संसद में शून्यकाल के दौरान उन्होंने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की थी। सांसद ने कहा है कि काशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वो राजनीति से ज़्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आदरणीय श्री काशीराम जी, जिन्हें बहुजन नायक और मानवर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीति में और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे, मानवर तथा जिन्होंने सदायगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मानवर श्री काशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन बाहर राजनीतिक से ज्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मानवर काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। मानवर,